बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, मेरी दुआ है आप सब खैरियत से हों। आज का जो हमारा लेक्चर टॉपिक है वो है एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग। हमने चैप्टर 8 स्टार्ट कर दिया है, डोजेज फॉर्म चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 8 हमने जो स्टार्ट किया है और आज जो हम टॉपिक कवर्स करेंगे उसमें से वो है व्हाट इज़ एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग, एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग, व्हाट इज़ सॉल्यूशन एंड प्रिपरेशन ऑफ एक्रोफेलमिन सॉल्यूशन, व्हाट इज़ सस्पेंशन एंड प्रिपरेशन ऑफ सिमेटिडिन सस्पेंशन। ये तमाम चीज़ें हैं जो आज हम कवर करेंगे। एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग में क्या हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग। एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग इज़ ऑन डिमांड प्रिपरेशन ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन फार्मूला एंड रेसिपी। अमूमन क्या होता है कि अगर हमें एट अ स्पॉट कोई चीज़ प्रिपेयर करनी हो, ठीक है, डिस्पेंसरी में या हॉस्पिटल की फार्मेसी के अंदर वो हमें अवेलेबल ना हो, और या इस तरह की चीज़ हो जो कि ऑन अ स्पॉट ही तैयार की जा सकती हो जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा ना हो, तो हम उसे अकॉर्डिंग टू फिजिशियन की और प्रिस्क्रिप्शन और रेसिपी के हिसाब से हम वहीं पे प्रिपेयर कर लेते हैं। इस तरह की कंपाउंडिंग को, इस तरह की प्रिपरेशन को हम कहते हैं एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग। एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग इज़ ऑन डिमांड प्रिपरेशन ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट आउट अकॉर्डिंग टू फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन फार्मूला एंड रेसिपी। मीन्स के ऑन डिमांड प्रिपरेशन है, आपको जब ज़रूरत हो आप उस प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं, उस प्रिपरेशन को तैयार कर सकते हैं कि जैसा फिजिशियन ने सजेशन दी है या प्रिस्क्रिप्शन पे रेसिपी लिख के दी है, या फिर आपने किसी अगर बुक को फार्माकोपिया को फॉलो किया है किसी रेसिपी के लिए, उसमें से देखकर आप उस प्रिपरेशन को तैयार कर सकते हैं ऑन डिमांड। जब आपको ज़रूरत हो उस वक्त आप उसको तैयार कर लें। अमूमन जो है देखने में आता है, जैसे हम लोग बाज़ दफ़ा देखते भी हैं कि कुछ फिजिशियंस प्रिस्क्राइब करते हैं सिरप ऑन अ स्पॉट, वो प्रिपेयर्ड करवा के देते हैं। जैसे छोटी बॉटल्स के अंदर आते थे पहले, कलरफुल से छोटी छोटी बॉटल्स होती थी प्लास्टिक्स में, कलरफुल सिरप्स तैयार किए जाते थे, उनमें टेबलेट्स को जो है पीस कर और फिर सिरप फॉर्म के अंदर लेके आया जाता था, उसको वो एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग ही का हिस्सा थी। लेकिन आजकल प्रिपेयर्ड डोजेज फॉर्म अवेलेबल है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा, तो ये ट्रेंड कम हो गया है। इसमें हम देख रहे हैं एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन में और क्या होता है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन फ्रॉम बेसिक इंग्रेडिएंट इन रिटेल और हॉस्पिटल फार्मेसी इस कॉल एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग। क्या होता है, स्मॉल स्केल के अंदर अगर आप मेडिसिन बना रहे हैं, कोई इस तरह की मेडिसिन है जो कि लार्ज स्केल में अवेलेबल नहीं है, रिटेल बेसिक इंग्रेडिएंट वही होंगे, लेकिन क्या होगा, हॉस्पिटल फार्मेसी में उसे आप तैयार कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी डिमांड, जो भी आपकी डिमांड है उसके हिसाब से। वही बात जैसे हम पहले डिस्पेंसरीज में हमें छोटे प्लास्टिक की बॉटल्स में सिरप्स बना के डिस्पेंस किए जाते थे, जिसमें टैबलेट्स को पीस कर और उनसे सिरप फॉर्म तैयार की जाती थी, और फिर उन्हें 2 या 3 दिन की शेल्फ लाइफ के ऊपर पेशेंट को दे दिया जाता था और कहा जाता था कि 2 या 3 दिन के बाद आप दोबारा आएंगे और दोबारा हम ये आपको तैयार करके दे देंगे। तो मेरे उनकी शेल्फ लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो स्मॉल स्केल के ऊपर बनाया करते थे और डिस्पेंस कर देते थे। लेकिन अब ये ट्रेंड कम है, पहले ज़्यादा था। दिस इज़ डन व्हेन देयर इज़ नो एप्रोप्रिएट कमर्शियली मेडिसिनल प्रोडक्ट आर अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। ये कब ज़रूरत पड़ती है इसकी, ये कब अप्लाई होती है ये चीज़, जब नो अप्रोप्रिएट कमर्शियली मेडिसिनल प्रोडक्ट आर अवेलेबल। अगर ऐसे सिचुएशन है कि कमर्शियली वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है या आप की रसाई से दूर है, आप उसे जो है कमर्शियली नहीं मंगवा सकते, उसे परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो बन नहीं रही है, आपके इलाके में अवेलेबल नहीं है, तो इस सूरत के अंदर भी ये स्किल जो है यूज़ होती हैं। आप एट अ स्पॉट फार्मेसी के ऊपर कुछ चीज़ों का तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, उसके हिसाब से आप रेसिपी देख कर या फिर फिजिशियन की हिदायत के मुताबिक उस प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। देन आगे हम देखेंगे फर्दर इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है। एंड एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन इज़ अ ड्रग स्पेशली प्रिपेयर्ड बाय अ फार्मासिस्ट बिकॉज एन एप्रोप्रिएट ड्रग इज़ नॉट रेडिली अवेलेबल। अगर आपकी डिमांड के मुताबिक प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप फार्मासिस्ट जो है के ज़रिए ये फार्मासिस्ट उस प्रोडक्ट को बना सकता है एट अ स्पॉट। तो इस तरह की चीज़ को जो
फ़ौरन से तैयार की जाए जब आपको ज़रूरत हो उसी वक्त, तो उसे कहेंगे हम एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग। हमने पढ़ा था चैप्टर वन में ही कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग का डिफरेंस। कंपाउंडिंग में हमने पढ़ा था इट इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पेशेंट। आपने प्रिपेयर करना होता है किसी भी प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू जो पेशेंट की नीड के। एंड डिस्पेंसिंग में हमने क्या पढ़ा था, प्रोवाइड मेडिसिन। डिस्पेंस का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ प्रोवाइड करते हैं किसी को, यहाँ पे डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन का जिक्र है। तो ये दोनों टर्म्स हैं, लेकिन दोनों टर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। कंपाउंडिंग में अमूमन प्रिपरेशन होती है, वो बहुत सारी चीज़ों को आपस में मिक्सअप किया जाता है और मिक्सअप करने के बाद उन सब चीज़ों को प्रिपेयर किया जाता है, एक प्रोडक्ट के फॉर्म के अंदर लेके आते हैं उसे। लेकिन डिस्पेंसिंग में वही प्रिपेयर जो आप कर रहे हैं कंपाउंडिंग के अंदर, जो प्रोडक्ट आप पे कर रहे हैं उसको आप पेशेंट तक पहुँचाते, प्रोवाइड करते, प्रोवाइड मेडिसिन। एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग में क्या होता है भला, एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग इंग्रेडिएंट टू प्रिपेयर अ मेडिसिन फॉर एन इंडिविजुअल पेशेंट। इसमें जनरल टर्म है, तो हम इसमें ये कहेंगे कि इस मेडिसिन को पेशेंट की डिमांड के मुताबिक तैयार किया जाता है। देन इट इज़ आल्सो ऑन डिमांड प्रिपरेशन डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन। और जैसे फिजिशियन ने प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर इंस्ट्रक्शन लिख के दी हैं उसके मुताबिक आप इसको डिस्पेंस कर देंगे। इट इन्वॉल्व मिक्सिंग अ पाउडर एक्टिव इंग्रेडिएंट विद अ डाइल्यूएंट पाउडर, फिलिंग अ गिवन नंबर ऑफ कैप्सूल और अदर सुटेबल डोजेज फॉर। मिक्स करेंगे पाउडर एक्टिव इंग्रेडिएंट विद अ डाइल्यूएंट पाउडर और फिलिंग अ नंबर ऑफ कैप्सूल। जिस तरह भी जितनी भी प्रोडक्ट होगी, यहाँ पे अगर कैप्सूल तैयार हो तो कैप्सूल के अंदर आप फिल करके उस एक्टिव इंग्रेडिएंट को और सूटेबल जो भी उसमें डाइल्यूएंट्स या एक्सिपिएंट्स यूज़ कर रहे हैं उसकी को उसी वक्त तैयार करके आप कैप्सूल में भर के भी दे सकते हैं, या अगर आप सिरप तैयार कर रहे हैं तो आप बॉटल्स में भी कर सकते हैं, लेकिन उसे अच्छा सा लेबल्स होना चाहिए। डिस्पेंसिंग का के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि डिस्पेंसिंग में होता क्या है, फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो वो फार्मासिस्ट क्या करता है, मेंटेन रखता है वर्किंग ऑर्डर्स को। दूसरा, जिस चीज़ में वो डिस्पेंस कर रहा है उसे प्रॉपरली लेबल्ड करता है। वो हम ये कह सकते हैं ही मस्ट बी श्योर अबाउट द क्लोज एंड सेफ यूज़ ऑफ मेडिसिन एंड ऑल द मटेरियल मस्ट बी ऑब्टेंड फ्रॉम द रिकग्नाइज फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। फार्मासिस्ट की ये भी जिम्मेदारी होती है ही मस्ट बी मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ सच डिस्पेंसिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन। हाईएस्ट स्टैंडर्ड मस्ट बी अप्लाइड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस। ये तमाम चीज़ें डिस्पेंसिंग के दौरान उसे देखनी होती हैं। लेबलिंग की क्वालिटी ये होती है, उसकी पैकेजिंग की क्वालिटी जो जिस तरह वो पैक करके दे रहा है वो भी प्रॉपर हो, जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो भी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हो। क्या रीज़न्स हैं कि हम जो हैं एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग करते हैं, रीज़न क्या है, अनअवेलेबल डोजेज फॉर्म स्ट्रेंथ एंड रूट ऑफ कमर्शियली प्रोडक्ट। अगर आपको वो प्रोडक्ट कमर्शियली अवेलेबल नहीं है जो आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है कमर्शियली, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आपको मिल नहीं रही है मार्केट से, तो आप एट अ स्पॉट अगर आपके पास उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो आप फिजिशियन के इंस्ट्रक्शन के ऊपर उसे फार्मेसी के अंदर तैयार कर लेते हैं। डाइल्यूशन ऑफ अडल्ट डोजेज ऑफ मेडिकेशन ऑफ पेडिएट्रिक एंड गेट्रिक स्ट्रेंथ। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ इस तरह की मेडिकेशंस भी अवेलेबल होती हैं जो कि आपको अकॉर्डिंग टू अगर अडल्ट हैं या बूढ़े हैं या बच्चे हैं उनके हिसाब से तैयार करनी पड़ती हैं। या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रही होती है उसके अंदर पाउडर्ड फॉर्म के अंदर वो होती है, क्योंकि उसको हम लिक्विड मिक्स नहीं कर सकते, हो सकता है उसकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता हो या एक्टिव इंग्रेडिएंट उसकी एक्टिविटी मुतासर हो सकती है। अगर उसे हम मिक्सअप करके देंगे तो एट अ स्पॉट ही हमें उसमें जो वाटर उसके साथ आ रहा होता है उस पाउडर में मिक्सअप करना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं कि आप किस तरह उसका जो लिक्विड उसके साथ आ रहा है उसे मिक्सअप करेंगे, तो वो भी आप डिस्पेंसिंग में या फार्मेसी में तैयार करके पेशेंट्स को देते हैं। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म्स टू सॉल्यूशन और सस्पेंशन। बाज़ दफ़ा ये होगा कि आपने अगर टैबलेट्स को जो है उन पीस कर और उसका सस्पेंशन या सॉल्यूशन तैयार किया है, तो सॉलिड डोजेज फॉर्म्स सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। यहाँ पे इसका मतलब यही है कि आप अगर टैबलेट्स को या किसी भी सॉलिड डोजेज फॉर्म को पाउडर से आपको सॉल्यूशन या सस्पेंशन बना रहे हैं अपने डिस्पेंसरी या फार्मेसी के अंदर,
तो ये भी एक्स्ट्रा फर्नेस कंपाउंडिंग का एक रीज़न है। ये हो सकता है आपको वो अवेलेबल ना हो तो आपने उसे टैबलेट से सीरप में तब्दील किया है। कोई जैसा बच्चा है वो पी नहीं पा रहा, टैबलेट को निगल नहीं पा रहा, तो उस वक्त आप उसे रब कर और उसे सस्पेंशन या जो है ना सिरप फॉर्म के अंदर तब्दील कर देते हैं। कम्बिनेशन ऑफ टॉपिकली डर्माटोलॉजिकली प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल बाय द मैन्युफैक्चरिंग। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमें जिस तरह का कम्बिनेशन चाहिए होता है प्रोडक्ट या स्किन के लगाने के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कम्बिनेशन के अंदर चाहिए होती है लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो हम उसे मिक्सअप करके क्रीम टाइप चीज़ बना लेते हैं। ये एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस क्रीम्स कहलाती हैं वो, और वो पेशेंट को दे देते हैं। इन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ कमर्शियली प्रोडक्ट विच मे बी काज एलर्जिक रिएक्शन इन इंडिविजुअल। बाज़ ये भी हो सकता है कि कमर्शियल प्रोडक्ट तो हमारे पास अवेलेबल हों लेकिन उसके अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं, कुछ ऐसे एक्सीपिएंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हों जो कि पेशेंट का एलर्जी का बायस बन रहे हैं, वो उसे सूट ना करें, उसके फिजियोलॉजी को सूट ना करें, उसको इंटरनल सिस्टम उसको एक्सेप्ट ना करें, जिसकी वजह से उसे एलर्जिक रिएक्शन शो हो रहा है। इस तरह की सिचुएशन में हम इनएक्टिव इन्ग्रीडियंट्स को चेंज करते हुए उसके एक्सीपिएंट को चेंज कर सकते हैं और एक्टिव इंग्रेडिएंट को वही रखेंगे, एक्सीपिएंट्स को चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिमांड कि पेशेंट को उनसे एलर्जी ना हो, और वहीं एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस उसको तैयार करके दे सकते हैं। सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशंस में पहले भी जिक्र आया है सॉल्यूशन का। एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस कंपाउंड के बारे में आपको समझ में आया कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिमांड आप जो हैं प्रोडक्ट तैयार करके देते हैं पेशेंट को, ठीक है। या हम कह सकते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, हम इसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम बेसिक इंग्रेडिएंट इन रिटेल और हॉस्पिटल फार्मेसी इज कॉल्ड एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग। स्मॉल स्केल के ऊपर मेडिसिन बनाई जाती है बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ हॉस्पिटल की फार्मेसी के अंदर, इसको हम कहेंगे एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग। अब इसी में हम सॉल्यूशंस के बारे में पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सटेम्पोरेनियस सॉल्यूशन हम फार्मेसी में ही कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत लार्ज स्केल के लिए तो हमें इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है, लेकिन अगर हमें वो कमर्शियली अवेलेबल नहीं, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो हम और हमारे पास इतना वक्त भी नहीं कि हम वेट करें कि वो मार्केट में अवेलेबल हो, इंडस्ट्रीज़ वाले जो हैं बना के भेजें फिर हम यूज़ करें, तो हाँ और हम उसको फार्मेसी में तैयार कर सकते हैं। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं तो इस तरह की प्रोडक्ट को एक्स्ट्रापोरियस प्रोडक्ट कहते हैं या बनाने को हम कंपाउंडिंग कह रहे होते हैं। देन यहाँ पे एक सॉल्यूशन का जिक्र है, सॉल्यूशन के बारे में पहले ओवरव्यू ले लेते हैं फिर उस सॉल्यूशन को देखते हैं जो हम फार्मेसी में तैयार कर सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन इज़ अ लिक्विड प्रिपरेशन दैट कंटेन्स वन और मोर सोलेबल केमिकल सब्सटेंस डिजोल्व इन अ स्पेसिफाइड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन जो है एक लिक्विड प्रिपरेशन है जो रखती है एक और एक से ज़्यादा सोलेबल केमिकल सब्सटेंस और वो डिसॉल्व होते हैं किसी न किसी सॉल्वेंट पे, ठीक है। सॉल्यूशन एक लिक्विड प्रिपरेशन है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट या एक्सीपिएंट्स कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं और वो डिसॉल्व हुए होते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। एडवांटेज क्या है इसका सॉल्यूशन का? इमीडिएटली अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। सॉल्यूशन अमूमन बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं और इनके जो और बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्सअप हुए होते हैं एक दूसरे के साथ जो इसमें इंग्रेडिएंट होते हैं, तो इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। यूज़फुल फॉर हाइग्रोस्कोपिक ड्रग विच मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेटेड एज अ सॉल्यूशन। देखिए अमूमन होता हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जब कोई भी प्रोडक्ट पानी को एब्जॉर्ब करने की जो है कैपेबिलिटी रखती हो। अगर हम सॉलिड फॉर्म में इस तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट को सॉलिड फॉर्म के शेप के अंदर डोजेज फॉर्म में लेके आएंगे तो उसने अगर पानी को एब्जॉर्ब कर लिया वो अपनी अपेयरेंस को खो देगी, उसके जो फिज़िकल अपेयरेंस है वो डैमेज हो जाएगी और उसकी जो फार्मास्यूटिकली एक्टिविटी है वो भी कम होगी। इसलिए उसे सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर हम डिस्पेंस करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन खुद ही एक लिक्विड होता है, उसमें अगर वाटर एब्जॉर्ब हो भी गया तो वो प्रोडक्ट को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना अगर सॉलिड फॉर्म के अंदर हम जो डोजेज फॉर्म आ रही होती है उसमें अगर वाटर एब्जॉर्ब होता है तो ज़्यादा प्रोडक्ट डैमेज होती है। देन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ये लेस स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर, स्टेबिलिटी इसकी कम है और इनकम्पेटबिलिटी जल्दी हो जाती है इसके अंदर। इनकम्पेटबिलिटी का हमने पूरा चैप्टर डिस्कस किया था कि इनकम्पेटबिलिटी में क्या कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं,
इसलिए यहाँ पे मैं इसकी डिटेल नहीं बताऊँगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सॉल्यूशन लेस स्टेबल हैं लेकिन इनकम्पेटिबिलिटी रेट उसमें ज़्यादा है। बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है बहुत ज़्यादा इसके अंदर इजीली, क्योंकि इसमें वाटर भी होता है एंड कोई ना कोई स्वीटनिंग एजेंट अगर है, तो ये दोनों चीज़ें ही प्रॉन है बैक्टीरियाज के लिए और ग्रोथ को तेज़ कर सकती हैं। बैक्टीरियल कंटामिनेशन ईजिली हो जाती है, ये डिसएडवांटेज है। मैं आप यहाँ पे समझिए कि सॉल्यूशन क्या चीज़ है। सॉल्यूशन लिक्विड प्रिपरेशन है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा जो केमिकल सब्सटेंस हैं वो किसी भी स्पेसिफिक के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। किसी भी खास किस्म के सॉल्वेंट के अंदर हमने डिसॉल्व किया होता है उन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को। ये फ़ायदा इसका ये है कि ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि लिक्विड फॉर्म के अंदर है और इसकी एब्जॉर्प्शन की पावर ज़्यादा है। जबकि डिसएडवांटेज ये है कि एक तो बैक्टीरियल ग्रोथ इसके अंदर बहुत जल्दी हो जाती है, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन बहुत जल्दी हो जाती है और लेस स्टेबिलिटी शो कर रही होती है ये प्रोडक्ट। देन फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ डोजेज फॉर्म फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर थेरेप्यूटिकल एजेंट्स। ये हम किस तरह मोस्टली हम ओरल जो है प्रिपरेशन उनमें यूज़ कर रहे होते हैं। ये फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन डिफाइंड एज अ लिक्विड प्रिपरेशन इन विच दे प्रिपेयर इन विच द थेरेप्यूटिकल एजेंट्स एंड वेरियस एक्सिपिएंट्स आर डिसॉल्व इन अ चूजन सॉल्वेंट सिस्टम। फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन हमको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि लिक्विड प्रिपरेशन इन विच द थेरेप्यूटिकल एजेंट्स एंड अ वेरियस एक्सिपिएंट्स आर डिसॉल्व इन चूजन सॉल्वेंट सिस्टम। जो भी हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और जो उसमें एक्सिपिएंट्स डाले गए हैं लाइक फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, डाइल्यूएंट्स हो गए, या फिर कलरिंग एजेंट, जो भी हम उसमें एक्सिपिएंट्स डाल रहे हैं और जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जो भी आपके पास सॉल्वेंट है अच्छा सा डिसॉल्व हुआ हो, इस तरह के डोजेज फॉर्म को हम अमूमन सॉल्यूशन कहते हैं। फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन आर होमोजेनियस होते हैं। होमोजेनियस का मतलब होता है कि ये अच्छे से मिक्सअप हुए होते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं वो एक साथ यकजा हो गए होते हैं, बहुत अच्छे से मिक्सअप हुए होते हैं कि उनका अपेरेंस एक जैसी नज़र आ रही होती है। लाइक अगर हम पानी के अंदर नमक डाल दें, वाटर एंड सॉल्ट का मिक्सचर अगर हम बनाएंगे, तो जब हम पानी को में नमक को अच्छी तरह हल कर लेंगे तो हम उसको फ़र्क नहीं महसूस कर सकते कि नमक कहाँ पे और पानी के मॉलिक्यूल्स कहाँ पे, वो सब एक ही मिक्सचर बन जाएगा और हम उनमें फ़र्क नहीं कर पाएंगे। उसके जो नमक के जो क्रिस्टल्स हैं जो बहुत अच्छे से उसमें मिक्सअप हो जाएंगे। अगर हम चीनी के क्रिस्टल्स भी पानी में डालते हैं और उसे मिक्सअप कर लेते हैं तो हमें चीनी नज़र नहीं आती बाद में, वो पानी ही का हिस्सा बन जाती है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जो अपेरेंस में एक जैसे लगते हैं, उनमें इंग्रेडिएंट जो भी ऐड हुआ हो वो सॉल्वेंट के साथ मिक्स होकर एक जैसी अपेरेंस दे रहे होते हैं। इस तरह की चीज़ों को हम होमोजीनियस वर्ड इस्तेमाल करते हैं इस तरह की चीज़ों के लिए। द थेरेप्यूटिकल एजेंट्स एंड एक्सिपिएंट डिसॉल्व इन अ व्हीकल, इस तरह का डिसॉल्व होता है कि होमोजीनियस अपेरेंस आ रही होती है। फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन आर इन नॉन स्टीराइल डोजेज फॉर्म। अमूमन क्या है, जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हम सॉल्यूशन कर रहे थे वो नॉन स्टीराइल होते हैं। स्टीराइल प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था पेरेंटल न्यूट्रिशंस में, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये है कि जब हम कोई भी ओरली सॉल्यूशन ले रहे होते हैं तो वो हमारी बॉडी में जीआईटी ट्रैक्स होता हुआ स्टमक में जाता है और स्टमक में मौजूद होता है एचसीएल। अगर खुदा ना खासा कोई माइक्रोब या कंटामिनेटेड कोई भी जो है चीज़ प्रोडक्ट के साथ डोजेज फॉर्म के साथ हमारी बॉडी में चली भी गई है तो वहाँ पे मौजूद एचसीएल जब वो स्टमक में पहुँचेगी, एचसीएल उसको जो भी हार्मफुल चीज़ हमारी बॉडी में गई है उसे डिएक्टिव कर देगा और उसे किल कर देगा। इसलिए यहाँ पे स्टेरिलिटी इतनी की इम्पोर्टेंस थोड़ी लेस है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट। कौन कौन सी जो हैं क्लासेस अवेलेबल हैं हमें, हम फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दे इंटेंडेड टू यूज़। अकॉर्डिंग टू यूज़ इनको क्लासिफाइड किया गया है। ओरल सॉल्यूशन भी हैं, ऑटिक सॉल्यूशन, ऑप्थोलमिक सॉल्यूशंस और ट्रॉपिकली एंड पेरेंटल प्रिपरेशंस मौजूद हैं। ओरल जो कि हम ओरल कैविटी के थ्रू लेते हैं, जीआईटी ट्रैक को फॉलो करते हैं ये, और ऑटिक मतलब एयर ड्रॉप्स वगैरह। ऑप्थेलमिक सॉल्यूशंस जो आई प्रिपरेशंस होती हैं, आई प्रिपरेशंस में जो सॉल्यूशन फॉर्म आ रही है वो टॉपिकली जो बैरूनी इस्तेमाल के लिए सॉल्यूशंस हैं, पेरेंटली जो कि इंजेक्ट किए जाते हैं निडल के थ्रू आपके बॉडी के अंदर। ये तमाम चीज़ें क्लासेस जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस की।
यहाँ पे एक्रोफेलविन सॉल्यूशन की जो है प्रिपरेशन रेसिपी दिखाई गई है, जो कि हम फार्मेसी में तैयार कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसे फार्मेसी में तैयार किया जा सकता है। ये एक्रोफेलविन सॉल्यूशन आर कैन बी प्रिपेयर्ड एक्सटेम्पोरेनियसली, हम इसे एक्सटेम्पोरेनियसली तैयार कर सकते हैं जब भी इसकी हमें ज़रूरत हो। इंग्रेडिएंट में क्या है, एक्रोफेलविन है, पाउडर फॉर्म में हम लेंगे इसे 0.1 ग्राम, एंड 0.9% सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन टू मेक इट 100 ml हम लेंगे, और इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे। प्रिपरेशन में क्या है, मिक्स इट विथ स्टेयर एंड मेक द सॉल्यूशन, अच्छी तरह उसे हिलाएंगे, अच्छी तरह उसे मिक्सअप कर देंगे और एक सॉल्यूशन फॉर्म में ले आएंगे। इट इज़ यूज ए एंटीसेप्टिक, ये जो सॉल्यूशन होगा इसे हम एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास एक्रोफेलविन होगा 0.1 ग्राम, जैसे 0.9% सोडियम क्लोराइड एक बार सोल्यूशन टू मैक इट 100 ml, एंड इसको अच्छे से मिक्सअप करके हम एक सोल्यूशन फॉर्म ले आएंगे। देन हम इसे किसी भी जार के अंदर या बॉटल के अंदर स्टोर कर लेंगे। अमाउंट बॉटल के अंदर स्टोर किया जाता है सोल्यूशन फॉर्म में, क्योंकि ये, और इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ एंटीसेप्टिक हम सोल्यूशन के तौर पर। यहाँ पर देखें एग्जाम्पल दिखाई है स्पेक्ट्रम की, स्पेक्ट्रम एक डोजेज फॉर्म दिखाया गया है, कमर्शियली नेम है जो इसका, वो एक्रोफेलविन सोल्यूशन है ये भी। देन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, यहाँ पे सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन की डेफिनेशन एक ही स्लाइड पर दिखाने का मकसद ये है कि आप इन दोनों का डिफरेंस जान लें कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, सॉल्यूशन क्या है और सस्पेंशन क्या है। दोनों ही डोजेज फॉर्म हैं, फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म हैं, दोनों में मेडिसिनल एजेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशंस आर क्लियर लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट डिसॉल्व इन अ सूटेबल व्हीकल। क्या होगा कि सॉल्यूशन में एक क्लियर लिक्विड है, उसकी अपेयरेंस जो होती है वो क्लियर होती है एज़ कम्पेयर टू सस्पेंशन। सॉल्यूशन इज आर अ क्लियर लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट डिसॉल्व इन सूटेबल व्हीकल। कोई भी सॉल्वेंट होगा, कोई भी लिक्विड जो होगा, उसके अंदर अच्छे से एक्टिव इंग्रेडिएंट आपके डिसॉल्व हुए होते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या होगा कि सॉल्यूशन आर अ क्लियर लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट डिसॉल्व इन अ सूटेबल व्हीकल। जबकि सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन सॉलिड इन लिक्विड डिस्पर्शन, सॉलिड जो है डिस्पर्स्ड हुए होते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड के अंदर डिस्पर्स्ड हुए होते हैं, जबकि सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुए होते हैं। वर्ड डिसॉल्व मतलब अच्छा सा हल हो जाना, हल पजीर होना किसी भी चीज़ का, डिस्पर्स का मतलब होता है फैले हुए होना पार्टिकल्स का। तो सॉलिड इन लिक्विड डिस्पर्शन होती है सस्पेंशन में, लिक्विड प्रिपरेशन है सस्पेंशन, सस्पेंशन इज़ अ लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट सस्पेंडेड इन सूटेबल व्हीकल। इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सस्पेंड हुए होते हैं किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट में या व्हीकल के अंदर, जबकि सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हुए होते हैं। हमने सॉल्यूशन में डिसॉल्व का वर्ड इस्तेमाल किया है, सस्पेंशंस में हमने सस्पेंडेड का वर्ड इस्तेमाल किया है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो चुके होते हैं, मुकम्मल तौर पर हल हो चुके हैं, इसीलिए वो होमोजीनियस अपेरेंस भी देता है। देन आगे लिखा हुआ है, अ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इज अ कोर्स सस्पेंशन डिस्पर्शन इन विच इंटरनल फेज थेरेपिटिकली एक्टिव एजेंट होता है, इज़ अ डिस्पर्स यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एक्सटर्नल फेज। यहाँ पर इस स्टेटमेंट को बताने में जस्ट ये है कि इंटरनल फेज जो है आमतौर पर हम थेरेपिटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हम जो चीज़ हम डिसॉल्व कर रहे होते हैं उसमें उसको कहते हैं, और जिसमें वो चीज़ डिसॉल्व हो रही होती है सॉल्वेंट जो होता है उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल फेज। ठीक है, यहाँ पे कुछ देखें एग्जांपल दिखाई गई तस्वीरों में, सस्पेंशन आर प्रिपरेशन कंटेनिंग फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल। सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन आर प्रिपरेशन कंटेनिंग फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द व्हीकल। सस्पेंशन में बहुत ही फाइनली डिवाइडेड, बहुत ही अच्छे से समझ लें, जिनके पार्टिकल बहुत फाइनली डिवाइड होता है, उस तरह के ड्रग ली जाती है और उसे किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब सस्पेंड कर दिया जाता है या मिक्सअप कर दिया जाता है। अ सस्पेंडिंग एजेंट्स इज आल्सो बी यूज, इस पर्पज़ के लिए हम सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जैसे हम एमल्सीफाइंग एजेंट यूज़ होते हैं दो इमिजिबल लिक्विड को मिक्स करने के लिए, इसी तरह यहाँ पे भी सॉलिड जो हमारे पार्टिकल्स हैं फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स हैं ड्रग के, उन्हें डिस्पर्स्ड करने के लिए सस्पेंड करने के लिए व्हीकल के अंदर सस्पेंडिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ एग्जांपल देते हैं, आई ड्रॉप सस्पेंशन आ रहे होते हैं, लोशन सस्पेंशन आते हैं, यहाँ पे ये वर्ड लोशन है, एल टाइपिंग में नहीं आया लेकिन ये वर्ड लोशन है, आई ड्रॉप्स
लोशंस, मिक्सचर ऑफ ऑरल्स यूजेज और इस तरह के सस्पेंशन, डिफरेंट सस्पेंशन मार्केट में अवेलेबल हैं। सस्पेंशंस को भी हम फार्मेसी में तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे एक सस्पेंशन दिखाया गया है, एक टाइप है सस्पेंशन की जिसे हम कहते हैं सिमिटिडीन सस्पेंशन। सिमिटिडीन सस्पेंशन हम किस तरह तैयार कर सकते हैं अपने फार्मेसी के अंदर, इसके इट कैन बी मेक एक्सटेम्पोरेनियसली। हम इसे अकॉर्डिंग टू डिमांड अपनी तैयार कर सकते हैं फार्मेसी में। इंग्रेडिएंट हमें क्या क्या चाहिए होंगे, सिमिटिडीन टैबलेट्स चाहिए 300 mg की, 300 mg वाले सिमिटिडीन टैबलेट्स चाहिए, 24 टैबलेट्स हमें इस तरह की चाहिए होंगी। ग्लाइसरीन चाहिए 10 ml, सिंपल सीरप हमें चाहिए 120 ml। ये हमें तीन इंग्रेडिएंट इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे हमें टैबलेट्स चाहिए सिमिटिडीन के, हम टैबलेट्स से सस्पेंशन फॉर्म में तब्दील कर देंगे इन टैबलेट्स को, क्योंकि हो सकता है टैबलेट्स जो है पेशेंट नहीं ले पा रहा हो, जब वो लेता हो वोमिटिंग हो जाती है, उसका जायका उसे पसंद ना आ रहा हो, निगल नहीं पा रहा हो किसी भी वजह से, तो हम उसे जो है सस्पेंशन फॉर्म में तब्दील करके दे सकते हैं इस प्रोडक्ट को। और ये काम हम फार्मेसी में कर सकते हैं, एक्सटेम्पोरेनियसली हम इसको बना जो है इस प्रोडक्ट को तैयार करके दे सकते हैं सस्पेंशन फॉर्म के अंदर। इसके लिए हमें 300 mg की 24 टैबलेट्स चाहिए सिमिटिडीन की, 10 ml हमें ग्लाइसरीन चाहिए और 120 ml हमें सिंपल सिरप चाहिए। सिंपल सिरप जैसे हमने सिरप्स की टाइप्स पढ़ी थी कि मेडिकेटेड सिरप होता है, फ्लेवर्ड सिरप होता है और सिंपल सिरप होता है, यहाँ हमें सिंपल सिरप चाहिए। प्रिपरेशन में क्या है, टैबलेट्स आर टाइचुरेटेड टू मेक फाइन पाउडर इन मोर्टर। टाइचुरेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइचुरेशन क्या होती है, जब हम मोर्टर एंड पिस्टल में किसी भी सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं उसे अच्छा सा रब करते हैं, या पाउडर्ड होता है या फिर सॉलिड कोई भी ड्रग होती है, उसे फाइनली डिवाइड कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं उसका पार्टिकल साइज इस तरीके के ज़रिए। तो हम ये कहते हैं, हम कह सकते हैं टाइचुरेशन का मतलब होता है रिड्यूस पार्टिकल साइज बाय कंटिन्यूस रबिंग बाय मोटर एंड पिस्टल। मोटर एंड पिस्टल के अंदर हम कंटिन्यूस रबिंग करते हैं जिसके थ्रू उसका पार्टिकल साइज कम हो जाता है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम टैबलेट को फाइन पाउडर फॉर्म में लेके आएंगे, जिसके लिए हमें उसका पार्टिकल साइज कम करना पड़ेगा। हम उसे मोटर एंड पिस्टल में डालेंगे और उसकी मदद से उसे अच्छा सा पीस लेंगे, ट्राइचुरेट कर लेंगे उसे। देन इट इज़ लेविगेटेड विद ग्लाइसरीन। लेविगेशन का भी मैंने आप लोगों को बताया था, लेविगेशन क्या होता है, ये भी रबिंग ही का तरीका है, लेकिन इसके अंदर अमूमन कोई सॉल्वेंट डाल दिया जाता है, हम इसे विट ग्राइंडिंग भी कह सकते हैं, सॉल्वेंट डालकर फिर उसे रब किया जाता है। जबकि टाइचुरेशन में अमूमन हम मोटर एंड पिस्टल से सॉलिड पार्टिकल्स को ही रब करते हुए अच्छे से मिक्सअप कर रहे होते हैं, उसका पार्टिकल साइज को कम कर रहे होते हैं, लेकिन लेविगेशन में हम कोई ना कोई सॉल्वेंट भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम ग्लाइसरीन यूज़ कर रहे हैं, ग्लाइसरीन डालेंगे फिर हम उसे अच्छा सा जो है मिक्स उसका पार्टिकल साइज़ कम करेंगे, अच्छा सा उस टैबलेट्स को पाउडर फॉर्म में, फाइन पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। फाइनली हम क्या करेंगे, उसमें सिंपल सिरप फिर ऐड करेंगे। वो सिंपल सिरप ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसे मिक्सअप करेंगे। फाइनली द सिंपल सिरप इज़ एडिड एंड मिक्सड इट थॉरली इन ब्लाइंडर टू मेक स्मूथ सस्पेंशन, और वो स्मूथ सस्पेंशन में तब्दील हो जाएगा। सिंपल सिरप डालने के बाद उसे फिर मिक्सअप करना और ब्लाइंड करना अच्छा सा, इवन यहाँ तक कि उसकी सस्पेंशन वाली अपेयरेंस आ जाए, अच्छा सा स्मूथ सस्पेंशन बन जाए जैसा तस्वीरों में दिखाया गया। देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो लेफ़्ट साइड पर फर्स्ट तस्वीर है, इसके अंदर पहले टैबलेट्स को अच्छी सी को फाइन पाउडर में तब्दील किया जा रहा है मोटर एंड पिस्टल की मदद से। मोटर एंड पिस्टल में टैबलेट्स डाली गई हैं, इन्हें अच्छे से फाइन पाउडर में तब्दील कर लिया जाएगा। देन इसमें ग्लाइसरीन डाल के लेविगेशन का अमल करेंगे और इसे अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट टाइप चीज़ बनाकर इसमें हम सिरप डाल देंगे, सिंपल सिरप, थर्ड वाली तस्वीर सिंपल सिरप डाला जा रहा है, और फिर इसे अच्छे से ब्लाइंड करेंगे कि यहाँ तक कि वो स्मूथ सस्पेंशन की कंसिस्टेंसी में आ जाए। ये हमारा सस्पेंशन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। देन सिमिटिडीन सस्पेंशन हम लोग इसे हार्ट बर्न में, या हमारे अगर स्टमक में बर्निंग प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पर हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देन सिमिटिडीन सस्पेंशन हम कह सकते हैं किस लिए, किस तरह बनेगा, हमें इसमें सिमिटिडीन टैबलेट्स 300 mg की 24 टैबलेट्स चाहिए, ग्लाइसरीन 10 ml चाहिए, 120 ml सिंपल सिरप चाहिए। हम पहले टैबलेट्स का पार्टिकल साइज कम करेंगे और उसे फाइन पाउडर शेप में ले आएंगे, टैबलेट्स को पीस कर फाइन पाउडर शेप में ले आएंगे। देन हम उसमें ग्लाइसरीन डालेंगे और लेविगेशन का अमल करेंगे ताकि वो अच्छा सा और ज़्यादा फाइनली डिवाइड हो जाएँ वो पार्टिकल्स जो हैं टैबलेट्स के।
फिर उसमें हम सिंपल सिरप डालकर ब्लाइंड करेंगे, मिक्सअप करेंगे और स्मूथ सस्पेंशन की फॉर्म में ले आएंगे। फिर देन हम इसे बोतल के अंदर फिलअप कर लेंगे, बोतल में स्टोर कर लेंगे, साथ में उस पर लेबल लगा देंगे कि ये सेमेटिडिन सस्पेंशन है, इसकी हम इतने दिन में से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी शेल्फ लाइफ ये है और इसमें ये इन्ग्रीडियंट डले हुए हैं। जिस पेशेंट को आपने डिस्पेंस करना है उस पेशेंट का नाम भी साथ में मेंशन कर देंगे कि हमने इस पेशेंट के लिए ये बनाया है और आप इसे इजीली डिस्पेंस कर सकते हैं। पहले प्रिपेयर करेंगे देन इसे इजीली डिस्पेंस कर देंगे लेबलिंग के बाद। तो ये था आज हमारा टॉपिक एस्टम। हमने आज क्या स्टडी किया है, हमने आज स्टडी किया था एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग के बारे में। हम ये कह सकते हैं एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग क्या चीज़ है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम बेसिक इंग्रेडिएंट्स इन रिटेल और हॉस्पिटल फार्मेसी, इसका एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग। स्मॉल स्केल के ऊपर अगर हमें कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स की मदद से कोई भी हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं अपनी हॉस्पिटल की फार्मेसी के अंदर, तो इस तरह की उसको हम एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग कहते हैं। जैसा मैंने बताया आम तौर पर हम लोग जो आजकल तो हर चीज़ प्रिपेयर्ड हमें रेडी टू यूज़ डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है फार्मेसीज़ के ऊपर, लेकिन पहले ये ट्रेंड था कि टैबलेट्स के ज़रिए ही सस्पेंशंस तैयार किए कर लिए जाते थे। जैसे हमने सिमेटिडीन का सस्पेंशन किया और उन्हें छोटी छोटी प्लास्टिक की बोतल्स में वो डिफरेंट कलरफुल से सीरप्स बना के रखे जाते थे बच्चों को देने के लिए, या फिर जो कोई भी पेशेंट आ रहा है उसके हिसाब से फिजिशियन जो है रेकमेंड कर देता था डिस्पेंसर को या फार्मासिस्ट को कि आप ये वाला सस्पेंशन तैयार कर लें या ये वाला सिरप तैयार कर लें, तो वहीं एट अ स्पॉट उनको तैयार करके डिस्पेंस किया जाता था। मैनुअली ये कंपाउंडिंग हुआ करती थी, लेकिन आजकल इसका ट्रेंड कम है क्योंकि हर चीज़ रेडी टू यूज़ मौजूद है। लेकिन बहुत सी जगहों पे अगर आपको वो चीज़ अवेलेबल ना हो और आपने एट अ स्पॉट तैयार करनी हो तो आप एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग को यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा हो, आप उसे लॉन्ग लास्टिंग कोई ऐसी एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो लॉन्ग लास्टिंग तौर पर आप उसे प्रोडक्ट को सेव नहीं कर सकते, तो वो भी आप एट अ स्पॉट तैयार करके उसे 2 या 3 दिन की शेल्फ लाइफ के हिसाब से आप उसे दे सकते हैं। हम ये कह सकते हैं हम जैसा आपकी बुक के अंदर मेंशन है, इन दिस मॉडर्न एरा मोस्ट मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अंडर अ वेल कंट्रोल्ड कंडीशन एंड पैक इन अ सूटेबल कंटेनर डिजाइन टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, बट इन सम मेडिसिन एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग शुड ओनली बी यूज बिकॉज दिस प्रोडक्ट आर अनअवेलेबल। अगर प्रोडक्ट कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, देन वो सिचुएशन आ जाती है कि हम एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। जैसे हमें सिमेटिडिन की टैबलेट्स अवेलेबल हैं, सिरप अवेलेबल नहीं है, तो हम उसे किस तरह सिरप में तब्दील कर लेंगे ये हमने आज सीख लिया। हम इस तरह सिरप उसका बना सकते हैं। तो आप लोगों को पढ़ाने का मकसद यही था के अकॉर्डिंग टू डिमांड, पेशेंट डिमांड, हम एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग करते हुए कुछ चीज़ों को फार्मेसी के अंदर रेडी कर सकते हैं और पेशेंट को डिस्पेंस कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए फिजिशियन की इंस्ट्रक्शन और रिकमेंडेड स्टैंडर्ड्स मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। ये था आज का टॉपिक, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों का टाइम देने का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।